व्यूअर्स, टुडे डेट 31st, आप लोगों का प्रीवियस होमवर्क था फर्स्ट सेंटेंस, वो तुम्हें तोहफे में क्या दे चुका है, व्हाट हैज ही गिफ्टेड यू। सेकंड, तुम कब ईद मना चुके हो, सॉरी मुसलमान कब ईद मना चुके हैं, व्हेन हैव मुस्लिम सेलिब्रेटेड ईद। थर्ड, वो किसको कत्ल कर चुके हैं, हु हैव दे स्लेट। और फोर्थ, लोग कहां पनाह ले चुके हैं, Where have people taken shelter? Fifth sentence था, लोग किसके लिए चंदा जमा कर चुके हैं? Who have the people collected contributions for? Who have the people collected contribution for? अपने जुमले इन जुमलों के साथ टैली कर ले, चेक कर ले, जो जो गलतियां हैं वो निकाल दे। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिलहाल मुकम्मल जारी, प्रेजेंट का लास्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिलहाल मुकम्मल जारी। रिकग्निशन इन उर्दू, यानी उर्दू में पहचान, उर्दू में पहचान, उर्दू का हर वो जुमला परफेक्ट कंटीन्यूअस की उर्दू पहचान पहचान कुछ यूं है। कंटीन्यूअस जो कंटीन्यूअस टेंस के जो उर्दू पहचान है, कंटीन्यूअस की टेंस की पहचान से पहले सिर्फ ता के की इजाफा होता है। मसलन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बना रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के उर्दू जुमले जिस चीज पे खत्म होते हैं, जिस तरह के रहा है, रही है, रहे पे खत्म होते थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जुमले, तो रहा है, रही है, रहे से पहले सिर्फ ता के की इजाफा करें, ता रहा है, ते रही है, ते रहे हैं, बाकी वही कंटीन्यूअस की पहचान होते हैं, सिर्फ कंटीन्यूअस की पहचान से पहले ता के की का इजाफा होता है। अब ता रहा है, थी रही है, थे रहे हैं, या था रहा हूं वगैरह। हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन है, has been or have been, और main verb verb के first form के साथ ing का इजाफा कर दें। चूंकि perfect continuous tense है, perfect continuous tenses में helping verb हमेशा perfect के लिए जाते हैं जिसके साथ been का इजाफा होता है, और मेन वर्ब कंटीन्यूअस टेंस के यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हैज बीन और हैव बीन देन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फाइव सेंटेंसेस हमारे पास हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस सादा जुमले, सादा जुमलों में हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में हमारे पास सिंस या फॉर का इस्तेमाल भी होता है, सिंस और फॉर, सिंस अब का भी इस्तेमाल करते हैं और फॉर का भी इस्तेमाल करते हैं। पहले सिंस या फॉर की शॉर्ट यूजेज पढ़ते हैं। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज्ड for period of time, since मालूम वक्त के लिए, जबकि for मालूम मुदत के लिए। since is used for point of time, since मालूम वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। मालूम वक्त से मतलब अगर हमें दिन मालूम हो, संडे मंडे वेंसडे जो भी डे हो, दिन मालूम हो या मंथ मालूम हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी महीना हो,
या सन मालूम हो 2000, 2001, 2002 या 2010 जो भी हो, या फिर टाइम मालूम हो 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, या कोई ऐसा टाइम हो जिस तरह के बचपन, लड़कपन, जवानी, इस तरह कोई टाइम हो, तो उसको मालूम वाक्य के उसके साथ हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। जबकि फार मालूम मुद्दत है, 5 घंटों का एक मुद्दत, 1 हफ्ते का मुद्दत, 5 साल का मुद्दत, या 2 मिनट का हो, कोई ये मालूम ना हो कि कब शुरू है कब खत्म है, एग्जैक्ट टाइमिंग उसका मालूम ना हो, हम सिर्फ कहें 5 मिनट। अब पता नहीं कौन से 5 मिनट है, 5 इतना पता है कि 5 मिनट है, या 2 दिन है, 1 हफ्ता है, 1 साल है, 5 हफ्ते हैं, इसको मालूम मुद्दत कहते हैं, उनके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। अगर मालूम मुद्दत हो तो मालूम मुद्दत के लिए फॉर, जबकि मालूम वक्त के लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। और लाजमी नहीं है कि आपके हर जुमले में सिंस या फॉर आ जाए, अगर सिंस फॉर इस्तेमाल ना भी हो जाए, ऑब्जेक्ट पे आपका जुमला खत्म हो तब भी आपका जुमला सही है। हाँ, अगर इस्तेमाल हो, वक्त का इजहार किया गया हो या मुद्दत का इजहार किया गया हो, तब उस सूरत में हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जिस तरह की सुबह से बारिश होती रही है, सुबह से बारिश होती रही है, इट हैज बीन रेनिंग। अब सुबह से हमें पता है कि सुबह ही से बारिश होती रही है, मालूम वक्त है, तो उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश होती रही है। इसी तरह वो 1 घंटे से बोलता रहा है, वो 1 घंटे से बोलता रहा है, he has been speaking, he has been speaking। अब 1 घंटे से, अगर हम इस तरह कहते हैं कि 1 बजे से बोलता रहा है, तो हम सिंस 1 o'clock लिखते। अब 1 घंटे से लिखते हैं तो हमारे पास एक मालूम मुद्दत है, 1 घंटा है, 1 घंटे की मुद्दत है, तो इसलिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। He has been speaking for 1 hour या for an hour। He has been speaking for an hour, वो 1 घंटे से बोलता रहा है। और अगर इसमें वक्त का जिक्र ना हो, जिस तरह के हम उन्हें दावत देते रहे हैं, हम उन्हें दावत देते रहे हैं, वी हैव बीन इनवाइटिंग देम, We have been inviting them। अब इसमें चूंकि टाइम का कोई जिक्र नहीं है, ना सिंस इस्तेमाल होता ना फॉर, बस ऑब्जेक्टिव पे जुमला खत्म है। We have been inviting them। अगर वक्त का इजहार किया गया हो, वक्त उसमें मालूम हो, मालूम वक्त हो तो सिंस, अगर मालूम होता तो फॉर इस्तेमाल कर। Okay, this is your homework। First sentence, वो बचपन से सच बोलता रहा है। Second, तुम शुरू से उसे तंग करते रहे हो। Third, वो रोजे अवल से शरारत करती रही है। फोर्थ, हम 2 सालों से अंग्रेजी सीखते रहे हैं। फिफ्थ, वो हर वक्त हम पर तंकीद करते रहे हैं। इनमें इस्तेमाल शुदा डिफिकल्ट वर्ड्स है चाइल्डहुड, बचपन, स्पीक ट्रूथ, सच बोलना, बिगिनिंग, शुरू, टीज, तंग करना, मेक मिस्चीफ, शरारत करना, फर्स्ट डे, रोजी अवल, क्रिटिसाइज, तंकीद करना। इन अल्फाज की मदद से और फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए इन जुमलों को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं।